तो एशियन गेम्स से बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है टीम इंडिया के लिए। जहाँ दोस्तों बता दें कि यह खबर जुड़ा हुआ है उमरान मलिक और शिवम मावी के लेकर। जहाँ दोस्तों इन्हीं के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो बात करें एशियन गेम्स में पहली बार टीम इंडिया के मेंस क्रिकेट टीम खेलते हुए नजर आने वाली है, और यह मुकाबला जो कि टीम इंडिया खेलेगी एशियन गेम्स में वह अक्टूबर में होने वाला है। सीधा क्वार्टर फाइनल खेलेगी और फिर सेमीफाइनल और फाइनल। और बता दें टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, और टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है एशियन गेम्स के लिए वह है ऋतुराज गायकवाड़। वहीं बता दें कि टीम इंडिया का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उनमें एक खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं। जी दोस्तों वह इंजर्ड खिलाड़ी है शिवम मावी। शिवम मावी एक बेहतरीन तेज गेंदबाज है, लेकिन अभी इंजरी की वजह से एशियन गेम्स से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में टीम इंडिया में एक और नया खिलाड़ी के एंट्री हुआ है, वह खिलाड़ी जो कि टीम इंडिया के सबसे तेज गेंदबाज है। जी दोस्तों उमरान मलिक। उमरान मलिक एशिया कप और वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के स्क्वाड में नहीं चुना गया है, लेकिन बता दें कि एशियन गेम्स में उन्हें मौका मिला है टीम इंडिया की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। जहां दोस्तों बता दें कि आईसीसी की तरफ से एशियन गेम्स में जितना मुकाबला होगा वह मान्य मुकाबला होगा, यानी कि अगर कोई बड़ा स्कोर करता है या फिर शतक लगाता है तो वह T20 क्रिकेट में जोड़ा जाएगा। ऐसे में उमरान मलिक एक इतिहास रचना चाहेंगे एशियन गेम्स में, क्योंकि बता दें कि उमरान मलिक जैसा तेज गेंदबाज एशियन गेम्स में किसी भी टीम के पास नहीं है। और बता दें कि उमरान मलिक अगर अपने लय में रहते हैं तो सामने वाले टीम का धज्जिया उड़ा कर रख सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इनका किस प्रकार का उपयोग करते हैं एशियन गेम्स में यह भी देखने वाला होगा। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि पहली बार टीम इंडिया के लिए कैप्टनसी करेंगे, ऐसे में ऋतुराज की कैप्टनसी का भी नजर रहेगा, क्योंकि आगे जाकर वह चेन्नई सुपर किंग और टीम इंडिया के भी कप्तान बन सकते हैं। उनमें बिल्कुल क्षमता है, और उनका जो अभी परफॉर्मेंस है आयरलैंड के दौरा पर था वह बेहतरीन था, और आईपीएल में तो हम सभी देखे थे ऋतुराज गायकवाड़ किस प्रकार के परफॉर्मेंस किए थे। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल भी हमें नजर आने वाले हैं, रिंकू सिंह भी नजर आने वाले हैं। टीम इंडिया का जो स्क्वाड है बेहद ही मजबूत है एशियन गेम्स के लिए। तो आपको क्या लगता है टीम इंडिया का कैसा रहेगा परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।